सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज मैं आपको सैर कराती हूँ डॉलर ट्री स्टोर की। मेरे अंदाज से ये यहाँ का सबसे सस्ता स्टोर है और हर 15 दिन में यहाँ का सामान बदलता रहता है। चलिए देखते हैं इस टाइम पे कैसा सामान यहाँ पे आया हुआ है। तो अभी बजे हैं शाम के 6 और देखिए काफी अच्छा सा अंधेरा होने लगा है। पहले अंधेरा यहाँ बहुत टाइम के बाद होता था रात को, और अभी देखिए सामान यहाँ पे जो आया हुआ है भाई, कुछ डरावना सा, सारे भूत, पिंजर, हड्डियाँ और यही सब सामान है। ऐसा सामान इस टाइम इसलिए है क्योंकि एक त्योहार है यहाँ का हैलोवीन, आई थिंक 31 अक्टूबर को है वो त्योहार, और उसमें इसी तरह का सामान सब ये लोग यहाँ के घरों में ले जाते हैं, घरों को सजाते हैं इसी से। और ये त्योहार कुछ कुछ जैसे हम लोग के यहाँ श्राद्ध होता है, ऐसे ही ये लोग जो इनके बड़े लोग अब नहीं है उनकी याद में ये वाला त्योहार ये लोग मनाते हैं। ये है हैलोवीन, और असली कद्दू को भी काट के ऐसा ही हैलोवीन बनाया जाता है। इधर ये क्रिसमस का सामान भी आ चुका है, और क्रिसमस तो यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है ही, तो उसके लिए बहुत कलरफुल सा, बड़ा सुंदर सुंदर सा सामान आया हुआ है यहाँ पे। ये सारे छोटे छोटे हैंगिंग्स हैं यहाँ पे, और ये रहे हमारे सांता क्लॉज, और ये हैं उनके सुंदर से शूज, और ये छोटे छोटे पॉम्पम सारे जो क्रिसमस ट्री पे बांध के हैंगिंग करके क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए है, बड़े कलरफुल से। इंडिया में भी इस तरह का काफी सामान मिलता ही है। तो इधर आ गए अब हम किचन सेक्शन में। इस तरफ ये कांच का सामान है, कुछ छोटी छोटी चीजें सी बहुत सुंदर सी मुझे लग रही हैं, लेने का मन भी करता है। ये भी ले लें वो भी ले लें, लेना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसे अपने सूटकेस में रख के वापस इंडिया भी लेके जाना है, कुछ क्योंकि कुछ भार और कुछ जगह की जो लिमिट्स हैं वो तो देखनी ही पड़ेंगी। और इधर ये किचन का सामान है, बर्तन है, बहुत सारी चीजें नई हैं, लेकिन ज्यादातर सामान जो वो कॉमन है जो हमें आराम से इंडिया में भी मिल जाता है। तो कोई बहुत डिफरेंट और सुंदर सी जो चीज लगी वही हम लेंगे, और जो भी हम लेंगे आपको आने वाली वीडियोस में मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे वैरायटी काफी है, अच्छे अच्छे सुंदर से ग्लव्स हैं, ये किचन टॉवल्स हैं, किचन नैपकिन्स हैं कलरफुल से और अच्छे अच्छे प्रिंट्स में बने हुए हैं ये नैपकिन्स। और इधर ये टेबल मैट्स वगैरह हैं जो नेट के इंडिया में भी मिल जाते हैं, ये थोड़ी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और अफोर्डेबल तो मैंने आपको बताया है ही, ये सामान ज्यादा महंगा नहीं है। और ये कॉस्मेटिक्स का सामान आ गया इस तरफ, सारा मेकअप का सामान है, और इसमें भी बहुत सारी चीजें तो कॉमन है लेकिन कुछ कुछ नई नई चीजें भी हैं, सुंदर सुंदर सा कुछ डिफरेंट चीजें भी हैं यहाँ पे। और इस तरफ देखिए ये आ गए हेयर ब्रश, मिरर्स, और इधर कलरफुल रबर्स, और ये कुछ क्लचर वगैरह हैं छोटे बच्चों के लिए, काफी अच्छे अच्छे से हैं बैंड्स बालों में लगाने के लिए। और इधर मुझे ये वाइट बो वाला हेयर बैंड ये काफी सुंदर सा लग रहा है। और सामान अच्छा है यहाँ पे, मतलब क्वालिटी अच्छी है सामान की। और इधर ये सारा सजावट और हैंडीक्राफ्ट का सामान है, लेना कोई मुश्किल नहीं है लेकिन ले जाने वाली प्रॉब्लम है, तो बहुत लिमिट में ही हम कुछ सामान ले सकते हैं यहाँ पे। और इधर देखिए ये भी डेकोरेशन का सामान है, कुछ हैलोवीन के हिसाब से ही लग रहा है मुझे, वेलकम लिखा हुआ है लेकिन ऊपर ये भूत की भी फोटो लगी हुई है, और ये उसी थीम के हिसाब से शायद सारा सामान आया हुआ है इस टाइम। और ये वो लीव है जो कनाडा के फ्लैग पे भी होता है, और ये कलरफुल से टेबल मैट्स हैं सारे, और ये तो वही कंटेनर वगैरह है प्लास्टिक के, कुछ नया सामान है, बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं, ये मुझे अच्छा लगा था कुछ हैंगिंग के लिए। और अब तो इंडिया में भी बड़ा अच्छा अच्छा सब कुछ मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं लग रहा है मुझे। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिक योर पॉइजन, मतलब ये भी हैलोवीन का ही कुछ उनका थीम के हिसाब से ये बैग्स और सब आए हुए हैं। कुछ चीजों को हम लोग अशुभ सा जैसे मानते हैं लेकिन इनके त्योहार में इसी तरह का कुछ होगा, जो ये सारी इस तरह से चीजें आई हुई हैं। ये कद्दू है, बहुत लाइट वेट का बना हुआ है प्लास्टिक का। इधर बच्चे बिल करवा रहे हैं, और सामान तो सब तरफ कुछ ना कुछ रखा ही हुआ है। ये है
हमारी मैडम छुटकी, ये आपको मेरी हर वीडियो में नजर आएंगी जब तक मैं कनाडा में हूँ। तो शॉपिंग हो गई और अब बच्चे कह रहे चलिए बाहर चलते हैं। अब आ गए हम लोग बाहर और देखिए 8:30 के आसपास ही इतना ज्यादा अंधेरा हो चुका है, सब तरफ लाइट्स आ चुकी हैं। और जब मैं आई थी मई में तब 9 बजे तक यहाँ पे खूब अच्छी धूप रहती थी। तो कैसा लगा आपको डॉलर ट्री, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।